हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी के सीएचएसएल फॉर्म के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है, ये एसएससी का है। और फ्रेंड्स, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पे है। यहाँ पे जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, वो है 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। तो मतलब आप फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्म है, आपको 1 फरवरी से 7 मार्च के बीच में भर देना है। और फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट डेट भी दे रखी है। लास्ट डेट यहाँ पे 7 मार्च ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे अब जो टीयर वन है, उसका जो पेपर कब होगा, वो भी यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे मई में इसका पेपर होगा टीयर वन का। तो फ्रेंड, इस पीडीएफ में और भी डिटेल्स दे रखी है, जैसे कि पे स्केल क्या होगा, और भी डिटेल्स हैं यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो आप इसको ओपन करके चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसको फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, एसएससी की वेबसाइट पे, जो कि है https://ssc.nic.in। तो फ्रेंड, मैं अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। हमें ये लिंक टाइप करना है यहाँ पे, https://ssc.nic.in। तो फ्रेंड, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड, हम इसके होम पेज पे आ चुके हैं एसएससी के। यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। तो मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। तो फ्रेंड, जैसे ही हम इस पेज पे आते हैं, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले शो कर रहा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पे वो फॉर्म बता रहा है कि फॉर्म कब स्टार्ट हो चुका है, और उसका लास्ट डेट वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का, हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्योंकि फ्रेंड, मैंने पहले ही फॉर्म भर के यहाँ पे जो भी डिटेल्स थी, उसको मैंने पहले ही फिल कर रखा है, इसलिए मुझे अब इसको बार बार नहीं फिल करना पड़ेगा। यहाँ मेरे लिए पहले डिटेल्स प्रीफिल्ड है मेरे लिए। अगर आप दोस्तों पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, वहीं आपको नाम लिखना है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज क्या हो गई है 1 जनवरी 2022 को, वो लिखना है आपको। यहाँ पे जेंडर आएगा आपका, कैटेगरी आएगा, यहाँ पे आपका नेशनैलिटी, यहाँ पे मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे भरना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आपका जो 10th क्लास का जो मैट्रिकुलेशन है, उसका एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा था, 10th का रोल नंबर लिखना है आपको, 10th का पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ फ्रेंड। सेंटर टू में मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे अलवर, और फ्रेंड मैं थर्ड में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे देहरादून। जो प्रेफरेंस है एग्जामिनेशन सेंटर की, उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसका मीडियम क्या रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको हिंदी में करना है तो हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश करना हो तो इंग्लिश कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये वेरीफाई करना है कि आप किस भाषा में करना चाहते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश पहले किया था, तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश ही करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने 12वीं जो पास कर रखी है, साइंस में कर रखी है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आपने नहीं कर रखा, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो मैं यहाँ पे नो फिल करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको और नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो फिर यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है। तो यहाँ से फ्रेंड्स, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिप्लोमा, 12th, बीए, बीटेक, बीएससी यहाँ पे दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 10+2 सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको डिटेल्स भरनी है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है 12th स्टैंडर्ड।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको स्टेटस भरना है। अगर आप पास्ट हैं तो आपको पास्ट भरना है, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भरना है। तो मैं पास्ट हूँ तो इसलिए मैंने पास को सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको पासिंग ईयर बताना है, आप किस बोर्ड से, आपको ये बताना है। आपके बोर्ड का क्या नाम था आपको ये बताना है। आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज बतानी है। अगर परसेंटेज थी, अगर CGPA था तो यहाँ पे आपको CGPA बताना है फ्रेंड। फ्रेंड्स इसको भरने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23 पे बताना है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ DOP NT। तो फ्रेंड इसको आपको यस कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर देना है पूरा सही से, स्टेट, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ आपको भर देना है। तो फ्रेंड अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ आप देख सकते हैं, जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो आपका 1 नवंबर 2021 के बाद का होना चाहिए, मतलब जो आपका फ़ोटोग्राफ होगा वो 1 नवंबर 2021 के बाद का खींचा हुआ होना चाहिए। और जो फ्रेंड उसका साइज़ होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होगा, JPEG फॉर्मेट में होगा। और यहाँ पे आप उसका इमेज साइज़ देख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर उसका विड्थ होगा और हाइट जो होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा उसका। इसी तरीके से फ्रेंड जो आपका सिग्नेचर अपलोड करना है वो आपका 10 to 20 KB में होगा, JPEG फॉर्मेट में होगा। और फ्रेंड जो उसका साइज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको चूज़ लोकेशन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको फ़ोटो, यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। और फ्रेंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे करना है, यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2021। तो आपको इसको यस कर देना है। तो क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे जो हम फोटो अपलोड करेंगे वो 1 नवंबर 2021 के बाद की होगी, तो हमें इसको यस कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। और फ्रेंड उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है। तो फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है, प्रीव्यू पे। तो फ्रेंड इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है। फ्रेंड्स मैंने डिटेल्स चेक कर लिया, सब कुछ सही है। इसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो फ्रेंड यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके इसको आप प्रिंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो मैंने फॉर्म भरा था उसका यहाँ पे शो कर रहा है पूरे डिटेल्स। तो फ्रेंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप प्रिंट पे भी क्लिक करके यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको ऑफलाइन चलान भरना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन चलान। और अगर फ्रेंड्स आपको पेमेंट अगर आपको ऑनलाइन करनी है तो आप पेमेंट ऑप्शन पे यहाँ पे जा सकते हैं। पेमेंट का स्टेटस जानने के लिए फ्रेंड्स आपको पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना पड़ेगा। एप्लीकेशन स्टेटस के लिए फ्रेंड आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था कि हम SSC का जो CHSL का फॉर्म है उसको कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर। थैंक यू।